निसान नबी, ए पैगंबर की बीवियों, लस्तुन काहद मिनन निसा, नहीं तुम आम औरतों की तरह, इन्हें तकए तुलना अगर तुम तकवा रखती हो, फला तखदान बिल कौल, न नरम करे अपनी बोली, फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, बस उम्मीद कर लेगा वो जिसके दिल में बीमारी है, वकुलना कौलम मारूफा, और बात करे बात सलीके से, कोई पूछे तो आप जवाब भी इस तरह दे जिससे आइंदा वो उम्मीद न रखे। अगर औरत लचकदार जवाब दे और शीरीन जवाब दे तो मरीजुल कल्ब आदमी समझेगा कि शायद ये मुझसे ताल्लुक रखना चाहती है, उसका तो काम ये है, वो तो है ही मरीजुल कल्ब। तो आप जवाब इस तरह दें कि आइंदा के लिए उसको उम्मीद न रहे, लेकिन ये जवाब कायदे के मुताबिक होना चाहिए, वकुल कौल मारूफा, और बात करे बात सलीके। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत मुश्किल मसला है कि जवाब में नरमी भी ना हो और ऐसी तलखी भी ना हो, बस खातून का जवाब अजनबी मर्द को सख्त जरूरत के वक्त है, और वो जवाब बस उस बात के साथ हो, आगे पीछे उसका हिस्सा न रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, बावजूद इसके कि पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएं हैं बहुक्म कुरान, लेकिन उम्मत सबके सब पैगंबर नहीं है न मासूम है, उम्मत से गफलत जहालत बेखबरी का इर्तिकाब हो सकता है। उसका सद्दबाब फरमाया कि आप कतन किसी के साथ ऐसा सवाल जवाब न करें जो मरज कल्ब की वजह से आपसे मजीद ताल्लुक चाहे। इससे पता चलता है कि खवातीन किस कदर एक नाजुक सिंफ है, और आज देखो तो औरत है मर्दों के साथ शाना बशाना है, हर औरतों के टीम में एक मर्द के टीम में एक औरत का होना जरूरी है, इसको जमहूरियत कहते हैं और आजादी राय कहते हैं, आवारगी को और बेहयाली को जमहूरियत और आजादी राय से ताबीर किया। तौबा तौबा तौबा,